Six letters are to be placed in three different letter boxes. The number of ways of posting the letters when no letter box remains empty is C. तो हमारे पास में क्या है, सिक्स लेटर्स हैं, सिक्स लेटर्स, और हमारे पास में क्या है, थ्री लेटर्स बॉक्स है, तो लेटर बॉक्स वन, लेटर बॉक्स टू एंड लेटर बॉक्स थ्री. और हमें ये भी गिवन है कि इन तीनों लेटर बॉक्स में क्या होगा, एक ना एक लेटर तो होगा ही होगा, कोई सा भी एम्प्टी नहीं रह सकता. तो लेट्स से लेटर बॉक्स एक्स, वन में एक्स है, टू में वाई एंड थ्री में जेड है. तो हमें कंडीशन क्या गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स है, वेयर x is always greater than 0, y is always greater than 0 and z is always greater than 0. तो see, इसका मतलब meaning क्या होगा कि x, y, z की minimum value क्या हो सकती है, 1, 1, 1. तो अब x plus y plus z is equal to 6 के हम कितने combination बना सकते हैं, 3. तो 6 कैसे कैसे सम हो सकता है, let's say x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 4. यह क्या हो सकता है, 1, 2, 3, या फिर क्या हो सकता है, 1, 2, 2, 2. यही क्या बोलते हैं, हमारे पास में तीन कॉम्बिनेशन हैं. इसमें हमने क्या करा, इस 4 में से अब हम वैल्यू कम कर सकते हैं, तो हमने एक कम कर दी, तो किसी एक में ऐड होगी, लेट्स से इसमें ऐड हो गई. अब हमारे पास में क्या है, ये 1 है, इसमें हम कम नहीं कर सकते, तो या तो मैं इसमें से कम करूंगा या इसमें से कम करूंगा. तो इसमें कम करूंगा तो अगेन क्या होगा, ये हो जाएगा 2, 1, 3 हो जाएगा, या 1, सॉरी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐड करूंगा तो 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 3, या फिर यहाँ से ऐड करके अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 114, तो सेम ऊपर वाला केस हो जाएगा. तो इसलिए कि अगर हमने 3 में से कम किया तो क्या हो जाएगा, 224, जब मैंने इसमें ऐड किया, अगर इसमें ऐड करता तो क्या होता, 131 हो जाता, सॉरी 132 हो जाता. तो अगेन क्या होता, सेकंड केस रिपीट हो जाता. तो सिर्फ ये तीन केस पॉसिबल है. अब सिक्स आइटम्स को 114 में, 123 में एंड 222 में, इन वेज में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले केस में हम कैसे करेंगे, टोटल हमारे पास में सिक्स है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 कितना है, 2 टाइम्स है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा. तो ये क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू 5 बाय 2 विच इज इक्वल टू 15. अब सेकंड बॉक्स में, सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 की वैल्यू कितनी है, 120 अपॉन 2 इज 60, तो आ जाएगा 60. और थर्ड केस में क्या जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल. तो ये क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली 120 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 15. तो वी कैन क्लियरली सी कि हमारे जो लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2 एंड लेटर बॉक्स 3 है, ये क्या है, तीनों डिफरेंट है. तो हर कॉम्बिनेशन को हम कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं. तो हमारे टोटल वेज कितने हो जाएंगे, तो टोटल वेज हो जाएंगे, तो टोटल वेज इज इक्वल टू, पहले हम कितने वेज में डिवाइड कर सकते थे, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 60 प्लस 15 प्लस प्लस कितना होगा यहाँ पे, अगेन 15 इंटू 3 फैक्टोरियल. तो 15 प्लस 15 इज 30 एंड 30 प्लस 60 इज 90. तो 90 into 3 factorial is 90 into 6 which is equal to 540. So, हम total 540 ways में इसे क्या कर सकते हैं, ways में distribute कर सकते हैं letters को in 3 letter boxes. So, correct answer is option B.